गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आपकी जो टॉपिक है साहित्यकारों की जीवनी से संबंधित, कि किसी एक साहित्यकार की यदि आपको जीवन परिचय करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, उसको किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आप हम देखेंगे। क्योंकि साहित्य की रचना जो है साहित्यकारों के द्वारा ही की जाती है, और साहित्यकार की जो साहित्य की रचना की है, जो कृति उसने रची है, वो किससे प्रेरित होके लिखी है। हर आदमी तो साहित्य नहीं लिख सकता, साहित्य लिखने की कला हर किसी में नहीं होती है, कुछ ही प्रतिभावान या व्यक्ति होते हैं जो इतिहास में ऐसा साहित्य लिख के हमारे को दे गए हैं कि आज हम उनकी साहित्य की यदि नकल भी करना चाहें तो हम उसकी नकल नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी देख के भी नहीं, उसकी समझ कर भी हम वैसी रचना नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो है साहित्य से संबंधित जो रुचि है, जो सृजनात्मकता है, वो उसकी हमारे अंदर कमी है। हर व्यक्ति की क्रिएटिविटी अलग होती है, बालक हो चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की मौलिक क्षमता या मौलिक रचना जो है सोच हर व्यक्ति की अलग होती है। तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य को करता है, और जिसमें हमको रुचि आती है हम उस कार्य को जो है करने में भी हमको आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ही साहित्य में भी जो साहित्यकार रचना लिखते हैं, उन रचनाओं को लिखने के पीछे उनकी क्या प्रेरणा रही है, किससे प्रेरित होकर उन्होंने रचना लिखी, कौन सा उनका ऐसा वातावरण था जिससे वो प्रभावित होकर जो है रचना लिखने के लिए प्रेरित हुए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि तुलसीदास जी जो थे वो पहले सारे जो है पद्य की नहीं लिखते थे, ना ही उनका उसमें कोई सोच थी। जब उनका विवाह हुआ था तो वो पत्नी की मोह में इतने मोहित हो गए थे कि एक बार पत्नी जब उनकी सुपीरियर चली गई थी तो वो पीछे उसकी उनकी की जो वियोग है वो सह नहीं सके, और पीछे पीछे ही वो जो है उसके साथ में ससुराल चले गए। और जब ससुराल में पत्नी ने उनको देखा तो उसको जो है बहुत अजीब सा लगा, उन्होंने जो है वो एक अपमान सूचक शब्दों के माध्यम से जो है बोल दिया कि आप यदि ऐसा नहीं मेरे बिना नहीं रह सकते, या जो भी उनको बोला, तो वो उनको बहुत उससे ठेस लगी थी। और उसके बाद उन्होंने जो है अपना ध्यान प्रभु भक्ति में लगा लिया था, अर्थात गृहस्थ जीवन से उन्होंने जो है अपना त्याग कर दिया था, या उन्होंने सोचा कि किसी के प्रति इतना विमोह होना, प्रेम होना अच्छी बात नहीं है, इससे तो हम भगवान के प्रति ध्यान लगाएं। तो उससे जो है प्रेरित होकर उन्होंने जो है पद्य रचना, काव्य रचना करनी प्रारंभ कर दी थी, और आज उन्होंने जो काव्य रचना करी थी वो आज हमारे धार्मिक ग्रंथों में रामचरितमानस का प्रमुख स्थान माना गया है, जो एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। उन्होंने अवधी, ब्रज, मैथिली भाषा में बहुत सा साहित्य लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के गुणों का गान किया है। उन्होंने ऐसा माना कि भाई राम के गुणों का जब मैं गान करूँगा तो मेरे को जो है आगे मेरे को मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान प्रभु भक्ति में लगाकर और अपने साहित्य में उन्हीं के का संपूर्ण वर्णन जो है किया है। और इस प्रकार से कोई भी साहित्यकार जो किसी ना किसी से प्रेरित होकर ही साहित्य की रचना करता है। जैसे सुविधानंद पंत है, वह भी जो है प्रकृति के से संबंधित कविताएं उन्होंने लिखी थी। इसका रीजन यह था कि वो जो जहाँ अल्मोड़ा के रहते थे, हिमाचल में अल्मोड़ा जो है तो वहाँ का बहुत प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, जिसको देखकर वो बहुत प्रभावित हुए थे, और प्रकृति की जो बारीकी है उन्होंने नित्य नए रूप में देखी, समझी, महसूस करी, और उसी को अपने साहित्य में जो है स्थान दिया। इस प्रकार से जो है कोई भी साहित्यकार जो है साहित्य की रचना किसी न
रखना होगा। इसी के अंतर्गत जो है पहला है उससे पूर्व में एक बात बताना चाहूंगी कि जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले कवि परिचय होता है। वो कवि परिचय क्यों दिया जाता है? ताकि उस कवि के बारे में सामान्य जानकारी हमको प्राप्त हो कि उन्होंने जो भी ये रचना लिखी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो रचना उन्होंने किससे प्रेरित होकर और क्यों लिखी, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो। तो कई लोग तो जो है कई साहित्यकार कहते हैं कि कवि का परिचय देना चाहिए, कई साहित्यकार उसका विरोध करते हैं, कई कहते हैं कि बिना साहित्यकार के परिचय दिए हुए रचना यदि की जाती है तो बालक उसको समझने में नहीं की कोशिश नहीं करता कि उनको पता ही नहीं चलता कि बालक ने क्यों लिखा। आप जैसे मीरा भाई को हम पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में मीरा भाई के बारे में पढ़ते हैं कि मीरा भाई मेरठा में जो है कुंडली ग्राम में उनका जन्म हुआ था और वो श्री कृष्ण की परम भक्ति और उनको जो है उन्होंने पति रूप में माना था। तो वो सारा जीवन परिचय जब हम उसका पढ़ते हैं तो हमको एक अंदर से मोटिवेट मिलता है या हम उससे प्रेरित होते हैं और आगे हमको उनका साहित्य समझने में भी बहुत सुगमता रहती है। तो साहित्यकार के जीवन परिचय करने के लिए हम किन किन बिंदुओं के आधार पर उसका जीवन परिचय करेंगे, उसमें पहला है जन्म स्थान। पैसा नहीं मिलता और जीवन जीने के लिए हमको जीव को पालन के लिए कमाना पड़ता है तो उन
अधिकार का व्यवसाय क्या है। परिचय
आधार पर कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो भी आपको है उसका जो है